अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर नंबर 19 एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। हम लोगों ने पीछे ब्लड ग्रुप्स वगैरह स्टार्ट किया था, उसको हम लोग मुकम्मल तौर पर कंप्लीट कर चुके थे। हम लोगों को प्रॉपर हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करना है ESR। ESR क्या होता है? एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। एरिथ्रोसाइट किन्हें कहते हैं? एरिथ्रोसाइट्स हम लोग रेड ब्लड सेल्स को कहते हैं। जब भी आप लोग ब्लड टेस्ट करवाते हो ना, तो आप लोगों के 3-4 टेस्ट होते हैं, उनमें से ESR भी हो रहा होता है, CBS हो रहे होते हैं, ब्लड टेस्ट ये होते हैं, ठीक है। एक ब्लड टेस्ट उनमें होता है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, के ऐसी रेट, ऐसा रफ्तार जिसपे एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट मतलब रेड ब्लड सेल्स सेडिमेंट कर जाएं, नीचे बैठ जाएं, सेटल डाउन हो जाएं, ऐसे मेथड को क्या हम लोग कहते हैं? ESR। ये क्या है? ये टेस्ट है, ब्लड टेस्ट है। ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स की सेडिमेंटेशन रेट का टेस्ट है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आगे डिटरमिनेशन ऑफ ESR, के ESR की मिकदार कितनी होती है, वो टाइम कितना होता है। उसके दो मेथड है, दो तरीकों से हम लोग ESR डिटरमाइन कर सकते हैं। पहला है स्ट्रिजन और विंट्रोव्स मेथड, ठीक है, ये दोनों मेथड। फिर हम ESR की नॉर्मल वैल्यू देखेंगे इस मेथड में भी और इस मेथड में। फिर हम लोग फैक्टर्स देखेंगे ESR के कौन कौन से फैक्टर्स इनको, इनके रेट को, जो रेड ब्लड सेल्स जो नीचे सेटल डाउन हो रहे हैं, सेडिमेंट हो रहे हैं, उस रेट पर जो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, उन लोगों को हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो है ब्लड कोएगुलेशन, खून का जमना, वो भी रेड ब्लड सेल्स की वजह से बेसिकली होता है। हम लोग स्टेजेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग पढ़ेंगे, फैक्टर्स प्रिवेंटिंग ब्लड कोएगुलेशन और फैक्टर्स इंक्रीजिंग कोएगुलेशन। हम लोग वो फैक्टर्स भी पढ़ेंगे जो ब्लड को जो कोएगुलेशन इंक्रीज कर रहे हैं, जो कोएगुलेशन नहीं होने दे रहे हैं, वो सारे फैक्टर्स पढ़ेंगे। तो पेज नंबर 58 पे आ जाओ, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ठीक है। पेज नंबर 58, ESR इज द रेट एट विच द रेड ब्लड सेल्स सेटल डाउन। ये एक ऐसा टेस्ट है जिसमें एक रेट नज़र आ रहा था, एक रफ्तार नज़र आ रही होती है किस चीज़ की, उस चीज़ की जिस पे जो उनसे रेड ब्लड सेल्स हैं सेटल डाउन कर जाए, मुकम्मल तौर पर नीचे बैठ जाए, ठीक है। नॉर्मली रेड ब्लड सेल्स रिमेन सस्पेंडेड यूनिफॉर्मली इन सर्कुलेशन। आमतौर पर जब हम लोग सर्कुलेट करते हैं, हिलाते हैं, तो जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं यूनिफॉर्मली, ठीक है। आमतौर पे ऐसा होता है। इफ ब्लड इज मिक्स विद एन एंटीकोएगुलेंट, एंटीकोएगुलेंट ऐसा कोई मटेरियल होता है जो जम नहीं सकता है, ठीक है। जब रेड ब्लड सेल्स को हम लोग उसके साथ मिक्स करेंगे, खून के अंदर मौजूद रेड ब्लड सेल्स को किसी एंटीकोएगुलेंट के साथ मिक्स करेंगे एंड अलाउड टू स्टैंड ऑन अ वर्टिकल ट्यूब, और एक खड़ी लंबी ट्यूब के अंदर डालेंगे, फिर क्या होगा, जितने भी रेड ब्लड सेल्स जो उनसे होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे ड्यू टू ग्रेविटी। क्यों नीचे सारे रेड ब्लड सेल्स, एंटीकोएगुलेंट पूरा भरा हुआ है फ्लास्क के अंदर या ट्यूब के अंदर, वर्टिकल ट्यूब के अंदर जो उनसे वो सारा का सारा एंटीकोएगुलेंट मौजूद है, लेकिन जो रेड ब्लड सेल्स होंगे वो सारे के सारे नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। ये इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट है? ESR, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ ESR, देर आर टू मेथड्स ऑफ डिटरमाइन ESR। ESR को डिटरमाइन करने के दो मेथड्स हैं, कौन कौन से? वेस्ट्रिजन मेथड और दूसरा विंट्रोव्स मेथड, ठीक है। नॉर्मल वैल्यू ऑफ ESR वेस्ट्रिजन मेथड के, वेस्ट्रिजन मेथड में नॉर्मल वैल्यू ESR की कितनी आती है? अगर इतनी होगी, ये स्टैंडर्ड होगी, तो इंसान का ब्लड बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर इससे कम ज़्यादा हो जाए तो इसका मतलब ये है कि उसमें खून की कमी है या खून की ज़्यादती है या उसके ब्लड में कोई और मसला है, ठीक है। तो वेस्ट्रिजन मेथड में देखें, अगर हम लोग ESR की नॉर्मल वैल्यू तो कितनी होनी चाहिए, मेल के अंदर 5-10 मिलीमीटर वो रेट होना चाहिए, फीमेल के अंदर 10-15 मिलीमीटर होना चाहिए, ठीक है, ना इससे ज़्यादा हो ना इससे कम हो, ठीक है, ये स्टैंडर्ड है। नेक्स्ट पेज आ जाओ, पेज नंबर 59 पे, विंट्रोव्स मेथड में कितनी होनी चाहिए? जब विंट्रोव्स मेथड अप्लाई करोगे तो उसमें ESR की नॉर्मल वैल्यू कितनी आनी चाहिए? मेल्स के अंदर 0-10 मिलीमीटर आनी चाहिए और फीमेल्स के अंदर 0-15 मिलीमीटर आनी चाहिए। फैक्टर्स इफेक्ट ESR, अब कौन से फैक्टर्स, जब ESR का टेस्ट करते हैं हम लोग, तो कौन से फैक्टर्स हम लोग देखते हैं कि ये वाले इफेक्टिंग कर रहे हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स हर चीज़ की एक स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, ठीक है, इसी तरह रेड ब्लड सेल्स की भी स्पेसिफिक एक ग्रेविटी होती है, ठीक है। तो वो कम ज़्यादा हो तो उससे भी जो है ESR का टेस्ट जो है उसकी जो नॉर्मल वैल्यू वो चेंज हो सकती है। साइज ऑफ रेड ब्लड सेल्स, के रेड ब्लड सेल्स का साइज, विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, ब्लड का गाढ़ापन, रेड
रेड ब्लड सेल्स की काउंट, मतलब रेड ब्लड सेल्स की तादाद, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, की ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है या कम है, कोलेस्ट्रॉल लेवल, टेम्परेचर, कोई इन्फेक्शन, जरासीम वगैरह तो नहीं मौजूद खून के अंदर, ये सारे के सारे फैक्टर्स जो उनसे हैं वो ESR की नॉर्मल वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ब्लड कोएगुलेशन, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, ब्लड कोएगुलेशन, खून का जमना। कोएगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज द प्रोसेस ऑफ कन्वेयन ऑफ सोल्युबल प्लाज्मा फिब्रिनोजन इनटू इनसोल्युबल फिब्रिन सब्सटेंस टू फॉर्म अ क्लॉट। वैसे तो हमें पता है खून, जब भी हमें कोई चोट लगती है खून निकलना शुरू होता है तो वहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता वो जमना शुरू होता है और जख्म बन जाता है, लेकिन ये अमल होता कैसे है, ये कोएगुलेट कैसे कर जाता है ब्लड, ब्लड जो है वो जम क्यों जाता है? वो इस वजह से जमता है क्योंकि खून के अंदर प्लाज्मा जो है उसके अंदर फिब्रिनोजिन पड़ी होती है। क्या होती है? प्रोटीन होती है फिब्रिनोजिन, ठीक है, सोल्यूबल प्रोटीन होती है। जैसे ही वो खून बहना शुरू होगा वो क्या करेगा, वो फिब्रिनोजिन जो होती है इन सोल्यूबल फिब्रिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, उसके अंदर फटाफट चेंज हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी और फिर क्या हो जाएगा, क्लॉट बनना शुरू हो जाएगा, खून का लोथड़े बनना शुरू हो जाएंगे, खून जमना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये बेसिकली इसके पीछे अमल ये होता है, खून के जमने का अमल किस तरह होता है कि जो प्लाज्मा के अंदर मौजूद फिब्रिनोजिन होती है ना वो पहले तो सोल्यूबल होती है फिर वो बाद में किस में कन्वर्ट हो जाती है, इन सोल्यूबल फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाती है और क्लॉट बनाना शुरू कर देती है। स्टेजेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग के कौन कौन से स्टेप होते हैं और ब्लड क्लॉट बन जाता है वो कैसे, ब्लड क्लॉटिंग अकर्स इन 3 स्टेजेस, 3 स्टेप्स के बाद ब्लड क्लॉट बनता है वो कैसे। पहला स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिव, ठीक है, सबसे पहले क्या होगी, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवली जो है वो बनना शुरू होगा, ठीक है। जब प्रोथ्रोम्बिन एक्टिव बनेगा, जब आप लोगों को चोट लगेगी तो आप लोगों को अगर MCQ आएगा सबसे पहले क्या बनना शुरू होता है तो आपने ये बताना है कि सबसे पहले प्रोथ्रोम्बिन एक्टिव होता है, उसकी जो मिकदार है वो बनना शुरू होती है। कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इंटू थ्रोम्बिन एंजाइम फैक्टर 2, अब क्या होगा, एंजाइम एक्ट करेगा उसी प्रोथ्रोम्बिन पर, वो थ्रोम्बिन जो है ना वो प्रोथ्रोम्बिन जो है वो थ्रोम्बिन के में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तीसरे स्टेप में क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजिन इंटू फिब्रिन। तीसरे स्टेप में फाइनली क्या होगा कि फिब्रिनोजिन कन्वर्ट हो जाएगा फिब्रिन के अंदर, ब्लड का क्लॉट बन जाएगा, ठीक है। ये 3 स्टेप्स आप लोगों ने हर हाल में, तीनों स्टेज आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद रखने हैं कि पहले प्रोथ्रोम्बिन बनता है, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन के अंदर कन्वर्जन होती है, फिर फिब्रिनोजिन की फिब्रिन के अंदर कन्वर्जन होती है, इस तरह ब्लड क्लॉट बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। अगर ये तीनों स्टेजेस सही तरीके से काम नहीं करेंगे तो इंसान के अंदर से मुसलसल खून बहता रहता है और उसके क्लॉट्स नहीं बनते हैं, इस वजह से उसको बहुत ज़्यादा ड्रिप्स खून की लगानी पड़ती हैं, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, डेथ भी, अल्टीमेट डेथ भी हो जाती है क्योंकि खून के लोथड़े नहीं बनते, वो खून इतना ज़्यादा रिलीज हो चुका होता है कि वो जान निकल जाती है इंसान की, ठीक है। फैक्टर्स प्रिवेंटिंग कोएगुलेशन, कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो कोएगुलेट को महफूज रखते हैं, ठीक है, डिक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में कमी, अवॉइडिंग कॉन्टेक्ट विद वाटर एंड वेट सर्फेसिस, जब खून निकल रहा हो और जख्म बन रहा तो उसको पानी और गीली सर्फेसिस से दूर रखें, एडिशन ऑफ हेपरिन, पेप्टोन, सोडियम सिट्रेट, इन सब की भी एडिशन अगर हम लोग अपनी बॉडी के अंदर करें तो उससे कोएगुलेशन जो है ना उससे हम लोग वो कोएगुलेशन को प्रिवेंट करता है, ठीक है। ये फैक्टर्स ऐसे हैं जो कोएगुलेशन से प्रिवेंट हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, पेज नंबर 60 पे, फैक्टर्स इंक्रीजिंग कोएगुलेशन। अब ऐसे फैक्टर्स जो खून को जल्दी जल्दी जमा दें वो कौन से फैक्टर हैं, कि टेम्परेचर फटाफट इंक्रीज करवाएं इनका, कॉन्टेक्ट विद वाटर एंड वेट सर्फेसिस, पानी और वेट सर्फेसिस से मिलवाएं, ठीक है, एडिशन ऑफ थ्रोम्बिन इंजेक्शन के थ्रू या किसी और जरिए से थ्रोम्बिन की एडिशन करें, एडिशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड ऐड करवाएं, ताकि जब खून बहने का अमल हो तो ये चीज़ें जब हम लोग ऐड करें तो उससे जो सा खून जल्दी जल्दी जमना शुरू हो जाए और खून ज़्यादा रिलीज ना हो। तो आज का लेक्चर इतना ही, कल से हम लोग डिजीजे स्टार्ट करेंगे, खून की जितनी बीमारियाँ वो हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। अगर आज समझ ना आई हो तो क्वेश्चन ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।